मलाला यूसुफजई तालिबान के हमले के 6 साल बाद पाकिस्तान की पहली यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शाहिद खाका अब्बासी से मिलने की उम्मीद। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई गुरुवार को पाकिस्तान लौटे। अधिकारियों ने कहा कि लड़कियों के लिए शिक्षा की वकालत करने के लिए 6 साल पहले तालिबान के एक बंदूकधारी ने उन्हें सिर पर गोली मारकर अपने अपने देश की पहली यात्रा में कहा था। उसे बहादुरी और सक्रियता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है, लेकिन राय पाकिस्तान में विभाजित है, जहां कुछ रूढ़िवादी उसे अपने देश को शर्म करने के लिए एक मिशन पर पश्चिमी एजेंट मानते हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि 4 दिवसीय यात्रा के दौरान मलाला के प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी से मिलने की उम्मीद है, लेकिन यात्रा के आसपास संवेदनशीलता को देखते हुए अधिक जानकारी गुप्त रखा गया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, स्थानीय टीवी पर प्रसारित फोटो के मुताबिक उसके माता पिता के साथ 20 वर्षीय छात्र को इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जरिए कड़ी सुरक्षा के तहत ले जाया गया। 9 अक्टूबर 2012 को स्वात घाटी में एक बंदूकधारी ने स्कूल की बस पर चढ़ने के बाद कौन कौन है मलाला अमानला के लिए एक वैश्विक प्रतीक बन गया और उसे गोली मार दी। ब्रिटिश शहर बर्मिंघम में उनकी चोटों के लिए उसका इलाज किया गया था, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी कर ली थी। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे कम उम्र के विजेता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करते हुए वह लड़कियों की शिक्षा के लिए मुखर अधिवक्ता बने रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी लोग इस बात को प्रसन्न करने के लिए चहचहाना चले गए कि चल रहे सुरक्षा भय के बावजूद प्रचारक यात्रा के लिए लौट आए हैं। राजनीतिज्ञ सईद अली रजा अबीदी ने लिखा, मैं पाकिस्तान के बहादुर और लचीले बेटी को अपने देश में वापस मलाला यूसुफजई का स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ कट्टरपंथी इस्लामवादियों के साथ साथ रूढ़िवादी मध्य वर्गीय सदस्यों के लिए भी, जो लड़कियों के लिए शिक्षा का समर्थन करते हैं, लेकिन विदेशों में देश की समस्याओं को प्रसारित करने की आशंका देते हैं। एक प्रमुख पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर नए दौरे के बारे में बात करते समय विपक्षी नेताओं और कमेंटेटरों को संयम के लिए एक याचिका जारी की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसकी वापसी पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है और यह बुरी भाषा पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाएगी, उन्होंने कहा। मलाला ने अपने अभियान की शुरुआत सिर्फ 11 वर्ष की थी, जब उन्होंने बीबीसी की एक उम्दा भाषा के तहत 2009 में एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, स्वात में तालिबान के तहत जीवन, जहां वे लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रहे थे। 2007 में इस्लामी आतंकवादियों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था, जो कि मलाला ने प्यार से मेरा स्वात कहा था, और एक क्रूर खूनी शासन लगाया था। विरोधियों की हत्या कर दी गई, लोगों को सार्वजनिक रूप से शरिया कानून के उल्लंघन के लिए फंड्स गया, महिलाओं को बाजार में जाने से प्रतिबंधित किया गया और लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। लेकिन यह शूटिंग के बाद ही था और उसके बाद के चमत्कारिक सुधार के बाद वह वास्तव में एक वैश्विक आकृति बन गई। जुलाई 2017 में उसने अपने आखिरी दिन स्कूल के एक ट्विटर अकाउंट खोल लिए और अब 1 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। मलाला ने उस समय लिखा, मुझे पता है कि पूरी दुनिया में लाखों लड़कियां स्कूल से बाहर हैं और उन्हें कभी भी अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर नहीं मिल सकता है। डेवोर्स में विश्व आर्थिक मंच में हाल ही में हुई एक उपस्थिति के दौरान नारीवादी प्रचारक ने पुरुषों से मदद के बिना प्रतीक्षा करने के लिए महिलाओं को दुनिया को बदलने से आग्रह किया। मलाला ने कहा, हम लोगों को दुनिया को बदलने के लिए नहीं कहेंगे, हम खुद ही ऐसा करने जा रहे हैं। हम खुद के लिए खड़े होने जा रहे हैं।
हम अपनी आवाज उठाने जा रहे हैं और हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, उसने कहा।